फ्रेंड्स, आज मैं यमी स्टाइल में नवाबी पनीर बनाने जा रही हूँ। तो नवाबी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये 2 प्याज इसे ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं। तो मैं 2 प्याज डाल दी और 2 तेज़पत्ता और 2 हरी मिर्च, दालचीनी डालूँगी और थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे फ्रेंड्स। और अगर काजू है आपके पास तो आप काजू डाल सकते हैं। ये मैं बादाम डाल रही हूँ। तो नवाबी पनीर है तो नवाबी स्टाइल में ही बनेगा। तो अब हम पनीर इन सारे मसाले को अच्छे से हम 1 टेबल स्पून हम घी डालेंगे और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये खसखस डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे और अब हम इसे पीस लेंगे फ्रेंड्स। पीस के इसे हमें मिक्सर में इसे एकदम हम पतला, बारीक एकदम पतला पीसेंगे फ्रेंड्स। पैन हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। नवाबी पनीर है तो घी या बटर में हम बनाएंगे, आप बटर भी डाल सकते हैं। तो ये मैं 2 चम्मच घी डाली हूँ और उसके बाद हम घी डालने के बाद हम जीरा इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से भूना। आज हमारा हो गया है। अब हम जो मसाले को भुने थे और इसे मैं पीस ली थी, इसे अब हम डाल देंगे। 50 ग्राम हमारा पनीर है तो मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट में डालूंगी। अगर पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप सारे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके लेंगे हम। आप इसमें थोड़ा काजू भी पीस सकते हैं। मैं काजू को स्किप कर दी हूँ, मैं बादाम को पीसी हूँ। अब इसे हम धीरे धीरे इसे हम प्लस घी हमारा मसाला में से निकलने लगा है। अभी मैं दही, फ्रेश दही को मैं फेंट के रख दी थी। ये फ्रेश दही है, मैं इसे फेंटती हूँ। अब हम इसे इसमें ऐड करेंगे। पनीर की पनीर नवाबी फ्रेंड्स हम बर्थडे पार्टी या पार्टी है घर में तो बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत फटाफट और बहुत ही यम्मी बनेगा ये। तो अब हम इसमें, जब तक हमारा दही मसाले के साथ अच्छे से नहीं थोड़ा भुना है, इसमें हम थोड़ा काली मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे। इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम काली मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, कितना सुंदर हमारा नवाबी पनीर का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। हमारा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे। शाही पनीर है तो क्रीम तो बनता है, आप क्रीम की जगह दूध भी डाल सकते हैं। और ये मैं क्रीम डाल दी। क्रीम डालने के बाद ये जो मैं पनीर कट की हूँ इसे हम डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, नवाबी पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है नवाबी स्टाइल में। अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बना है इसका। केसर डाल दूंगी, नवाबी पनीर में केसर तो बिल्कुल बनता है फ्रेंड्स। हमारा नवाबी पनीर बिल्कुल रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे स्टाइल में नवाबी पनीर बनाइए फ्रेंड्स। बहुत ही यम्मी और बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।